सीमा गौतम, भारत सरकार ने आज आम बजट पेश किया है और इसके बाद तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं राय सामने आने लगी है। उत्तराखंड में आम लोगों से लेकर के राजनीतिक दलों के नेताओं ने बजट पर अपनी राय रखी है। जहां कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक इस बजट में कुछ भी खास देखने को नहीं मिला, वहीं आम लोगों ने इस बजट को एक दूरगामी बजट करार दे दिया है। हालांकि बीजेपी के नेताओं के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए आम बजट में देश के साथ साथ प्रदेश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। खासकर किसानों, उद्योगपतियों के अलावा देश की सभी राज्य सरकारों को ब्याज मुक्त ऋण दिए जाने पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर के आम बजट पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हर बार उत्तराखंड के साथ यही सौतेला व्यवहार होता है। आप जब प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ पर मांगने आए थे 2017 में, हमें अच्छे से याद है, यहाँ परेड ग्राउंड पे खड़े होकर प्रधान सेवक ने कहा था कि आप हमें वोट दो, हम उत्तराखंड की शक्लो सूरत बदल देंगे। इन 5 सालों में हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते रह गए, हम ग्रीन बोनस मांगते रह गए, हम औद्योगिक पैकेज मांगते रह गए, हम बताते रह गए कि पर्यावरण में हमारा कितना बड़ा योगदान है, पूरे नॉर्दर्न इंडिया को हम ओजोन कवर देते हैं, ऑक्सीजन लेयर देते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है। विकास हमारे वहाँ हो नहीं पाता, कभी एनजीटी का डंडा लग जाता है तो कभी जंगलात के लोग हमारे ऊपर ऑब्जेक्शंस लगा देते हैं। ऐसे में पर्यावरण के प्रति जो हमारा योगदान है, कुछ तो हमें सौगात में मिलना चाहिए था। रोड कनेक्टिविटी आज उसके लिए लोग तरस रहे हैं, उसमें आप रेलवेज के लिए कुछ नहीं ज्यादा हमें दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं की बेरोजगारी को कम करने के लिए, मातृशक्ति के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए आप कोई भी राहत यहाँ नहीं दे रहे हैं उत्तराखंड को, और ये चुनावी राज्य है। उसके बावजूद आपने जिस तरह से यहाँ की जनता के साथ धोखा किया है, जनता अपने वोट की चोट से बताएगी आपको। देखिए, केंद्रीय बजट ने उत्तराखंड की जनता को निराश करने का काम किया है, हताश करने का काम किया है। बरसों से हमारी जो लंबित मांगे हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी भी आश्वासन देते रहे, डबल इंजन की सरकार आश्वासन देती रही, चाहे ग्रीन बोनस का मामला है, चाहे विशेष श्रेणी राज्य का मामला है, जीएसटी में जो हमको आने वाली जुलाई से 5,000 करोड़ का नुकसान होना है उसकी भरपाई का मामला है, उसमें बजट में कहीं पर भी कोई कंपनसेशन हमको नहीं दिख रहा है, न हमारे उत्तराखंड के लिए कोई घोषणा की गई है, और रेल बजट में भी कोई बहुत बड़ी चीज़ हमको नहीं दिख रही है, कि चाहे बागेश्वर की रेलवे लाइन की बात हो, टनकपुर बागेश्वर, चाहे रामनगर चौकुटिया गैरसैंण रेलवे लाइन की बात हो, उसमें भी हमको नहीं दिख रही है। जो छोटे छोटे पैच हमारे जुड़ने थे, चाहे धामपुर से काशीपुर और रुड़की से मुजफ्फरनगर, उसका भी हमें कोई बजट में इतना नहीं दिख रहा है, रेल बजट में भी दिख रहा है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय बजट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसने उत्तराखंड की जनता को निराश करने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने प्रदेश की जनता से 2017 में ग्रीन बोनस देने का वादा किया था और आज तक ग्रीन बोनस नहीं दे पाए हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमने उत्तराखंड के लिए ये कर दिया और वो कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज बेरोजगारी और जो महंगाई है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन बजट में ना महंगाई को कम करने के कोई कदम जो है सीतारमण जी ने उठाने का कार्य किया है, ना बेरोजगारी पे तो चर्चा करने का कार्य भी उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात आपको बताऊं कि सरकार का काम होता है कि जब बजट पेश करे तो उससे आम जनमानस को राहत प्रदान करने का कार्य करे, बट जिस तरीके से आपने देखा अभी कुछ दिन पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, अब तो सरकार की नजरें आपके जूतों और आपके कपड़ों पर भी है कि अब सरकार ने जूतों पर भी जीएसटी बढ़ा दी, कपड़ों पर जीएसटी लगा दी, अब आम आदमी जिसके खाने का भी दुर्भर स्थिति सरकार ने कर दी, अब आपके कपड़े और जूते पहनने की भी स्थिति दुर्भर कर दी है। तो ये जो बजट है वो पूरा निराशाजनक बजट है, और मुझे लगता है इसका जो जवाब है वो जितने भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों की जनता 10 मार्च को जो है मोदी जी को देने का कार्य करेगी। अब मुझे लगता है कांग्रेस तो केवल विरोध की राजनीति करती है, उसने तो आज तक ये भी तारीफ नहीं की कि हमने इस प्रदेश को ऑल वेदर रोड दे दिया, 12,000 करोड़ से ज्यादा की लागत का उन्होंने तो एक बार तारीफ नहीं की, पहाड़ पे ट्रेन चल रही है उन्होंने तो एक बार तारीफ नहीं की। कांग्रेस से इस बात की उम्मीद करना कि वो हमारी किसी योजना की तारीफ करेगी, चाहे अटल आयुष्मान योजना हो या तमाम योजनाएं, वो मुझे लगता है बेमानी है। वो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, और मुझे लगता है कि इतना बड़ा काम, एक शानदार बजट,
तमाम कोरोना की लाइंस को देखते हुए देश मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है और वहां से खड़ा होकर देश एक संदेश दे रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अब देश को ऋण मुक्त पैसा मिला करेगा। हर प्रदेशों को देश की तरफ से जो पैसा मिलेगा वो एक बहुत बड़ी संख्या में ऋण मुक्त पैसा भी मिला करेगा। वो अपने आप में बताता है कि देश एक पॉजिटिव लाइन की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि जो हमने सपना संजोया है विश्व गुरु बनने का, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सधे हुए कदमों से मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ पूरा देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस को इसमें, क्योंकि वैसे भी चुनाव है तो कांग्रेस को कुछ अच्छा दिखाई नहीं देगा, वक्त बताएगा। जब देश तेजी से पटरी पर दौड़ेगा तब पता चलेगा कि इस प्रदेश को क्या मिला है। उत्तराखंड बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आपने देखा कि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, जहां बीजेपी इसे एक विकासशील बजट बता रही है, वहीं कांग्रेस की अपनी शिकायतें हैं। और आइए सुनते हैं कि जो आम लोग हैं उनका क्या कहना है इस बजट को लेकर। बजट तो सर अच्छा पेश किया भारत सरकार ने, लेकिन हमारी सरकार से ही रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा युवाओं के लिए भी कुछ करें और जो महंगाई जो बढ़ रही है उसमें थोड़ी लगाम रखें, मतलब महंगाई कम की जाए थोड़ी सी। अच्छा, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ते हैं क्या आप चाहते हैं कि वो भी कमी? नहीं नहीं, उसमें भी हम चाहते हैं पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो और जो गैस सिलेंडर जो यहाँ 1000 से ऊपर पहुँच चुका है उसे थोड़ा नीचे लाया जाए। अब सर बजट तो हमारे लिए कोई मान्य नहीं रखता। पिछले दो बार से जो बजट देखा है उसकी अपेक्षा मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई अच्छा बजट हुआ। भले ही मैंने देखा नहीं है बजट, पर बजट से अब आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। आम जनता के लिए कोई बजट नहीं होता, बजट केवल नेताओं के लिए होता है और जिनकी जो जो सरकारें बनेंगी वो बजट का उपयोग करेंगे, जनता मरती रहेगी बस, और क्या होगा। और बात करते हैं देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना से, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। ज्योत्सना, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल जी। ज्योत्सना, आज का बजट हर साल हर बार, हालांकि जो बजट होता है वो उम्मीदों से भरा होता है और हम इस वक्त सत्ता पक्ष क्या कह रहा है या विपक्ष क्या कह रहा है उससे हटकर बात करते हैं, क्योंकि आपने बजट से पहले भी ये जाना कि जनता की नब्ज क्या है, उम्मीदें क्या है, बजट के बाद भी आपने ये जानने की कोशिश की होगी। तो ग्राउंड से जो प्रतिक्रियाएं हैं, ग्राउंड से जो फीलर्स आ रहे हैं, उसे कैसे इंटरप्रेट करती हैं आप ज्योत्सना? देखिए, अगर बजट की बात करें तो जिस तरीके से 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, लोग अनुमान लगा रहे थे कि बहुत लोक लुभावन टाइप का बजट होगा और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो लोगों को आसानी से क्लिक करेगा। लेकिन जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने वित्तीय हालात को देखते हुए और कोविड के कारण जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चरमराई है, सारी चीजें कहीं ना कहीं जो रफ्तार थी विकास की, जो हमारी आर्थिक गति थी, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। ये सभी लोग जानते हैं, हर सेक्टर में, चाहे छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, मुश्किल अब सब चीजें संभलने लगी हैं। आप भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया था, बहुत सारी दिक्कतें लोगों के सामने आई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो इन हालात को देखते हुए कि कैसे देश की विकास की रफ्तार भी बनी रहे, देश के लोगों में कम से कम बोझ पड़े और जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं पूरी हो, लोगों को निराशा हासिल ना हो, इसे देखते हुए लगता है कि उन्होंने इस बजट को लोक लुभावन ना बना करके एक बैलेंस बजट बनाने की कोशिश की है, जिसे आप और हम जैसे लोग, एक सामान्य लोगों की नजर होती थी टैक्स पर कि टैक्स में रियायत कितनी मिलेगी, कितना कितने का स्लैब होगा, लेकिन इस बार कोई चेंज नहीं किया गया है, ना बढ़ाया गया है ना घटाया गया है। वजह साफ है कि जो आर्थिक हालात है उन्हें देखते हुए। अगर मैं उत्तराखंड के लिहाज से बात करूं तो जो बजट का पैटर्न है वो बिल्कुल अलग हो गया है। धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी कि उत्तराखंड को रेलवे सेक्टर में क्या मिला है या अलग से क्या मिला है। अभी तक ये जानकारी अलग से आ नहीं पाई है कि कुल उत्तराखंड को क्या तोहफा इस बजट में मिला है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बाद में कहा, जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, कि गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक तोहफा उत्तराखंड के लिए होगा, क्योंकि उत्तराखंड गंगा का मायका है, उद्गम स्थल यही है और हरिद्वार तक गंगा उत्तराखंड में बहती है। और ऐसे में अगर जो गंगा के किनारे के गांव है वहां प्राकृतिक खेती होती है, वहां के डेवलपमेंट के लिए सोचा जाएगा, तो उत्तराखंड को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास की बात हो रही है, बजट में जो प्रावधान किया गया है वो खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों के लिए बहुत अच्छा होगा,
तो उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्य है और उत्तराखंड के लिए भी कुछ ना कुछ इसमें जरूर होगा। और जैसे मैंने कहा कि अभी पॉइंट वाइज चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन तब भी उत्तराखंड सरकार कहें खुश है बजट से। आम लोगों की बात करें तो आम लोग सिर्फ यही चाहते थे कि किसी भी तरीके से महंगाई पर अंकुश लगे, क्योंकि आम लोगों के लिए जो सबसे बड़ी इस समय दिक्कत है वो महंगाई है। और फिलहाल उनको बजट में फौरी तौर पर देखने में ये नजर नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार महंगाई पर कैसे अंकुश लगाएगी। बिल्कुल, यही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी जब अभी हम सुन रहे थे, कुछ आम लोगों के रिएक्शन सुन रहे थे। और अक्सर ज्योत्सना, जब ये जो चुनावी वक्त से पहले का जो बजट होता है तो ये कह दिया जाता है विपक्ष की तरफ से कि जो पोल बाउंड स्टेट्स है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक पक्षपात दिखाई दिया है, उसको लेकर वहां लोगों को लुभाने को लेकर के कहीं एक पक्षपात दिखाई दिया है। यूपी और उत्तराखंड इस बार दोनों के साथ यही बातें हैं क्या? बिल्कुल, देखिए मैं जैसे आपको कह रही थी कि सबको लगता था कि बहुत लोक लुभावन होगा, लेकिन होगा जरूर दोनों स्टेट के लिए। जब पॉइंट वाइज चीजें सामने आएंगी तो बहुत कुछ होगा पिटारे में। और जिस तरीके से जिन हालात में वित्त मंत्री ने बजट रखा है, उन हालात में आप बहुत ज्यादा लोक लुभावन की उम्मीद नहीं कर सकते थे। ये वो लोग समझ सकते हैं जो थोड़ा अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी रखते हैं या थोड़ा जो देश के सिस्टम को जानते हैं। लेकिन विपक्ष तो अब भी कह रहा है कि राज्यों में चुनाव को देखते हुए बजट को लाया गया है। हालांकि इस तरीके का, जैसे मैंने कहा कि कॉमन आदमी आज के दिन क्या चाहता है, कॉमन आदमी का होता है कि उसकी चिकित्सा सुविधा जो है, यानी हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है या फीस है उसमें कटौती हो, उसको दवाइयां थोड़ी सस्ती मिल जाएं, जो शिक्षा का बोझ होता है, क्योंकि हर एक मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा बोझ होता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, फीस में थोड़ी सी रियायत हो किसी तरीके से। बच्चे ये बहुत जरूरी है। दरअसल जो बिंदु आप बता रही हैं ज्योत्सना, ये उस लिहाज से भी जरूरी है कि लगभग 1.5 साल से जो है वो कोरोना की मार झेली है लोगों ने, लिहाजा उस लिहाज से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि महंगाई में कटौती होगी, जनजीवन ज्यादा सामान्य होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा, किसी भी जब आप विकास की बात करते हैं तो आधारभूत ढांचे के स्तंभ रहते हैं, लिहाजा उसमें भी मजबूती की पूरी उम्मीद कर रहे हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योत्सना इस पूरी चर्चा के लिए, इस पूरी बातचीत में साथ रहने के लिए। और वक्त यहां पर एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु BSP की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। उत्तराखंड में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को पहुंचेंगी और इसे लेकर के कांग्रेस के सभी नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। बुधवार को प्रियंका गांधी 70 विधानसभा सीटों के लिए वर्चुअली जनसभा करेंगी और पार्टी का जो प्रतिज्ञा पत्र घोषणा पत्र के रूप में तैयार किया गया है उसे भी लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक राष्ट्रीय महासचिव के साथ प्रदेश की तमाम महिला कार्यकर्ताओं ने मुलाकात करने का समय लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री और हम सब की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी कल 2 फरवरी को उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। एक तो प्रियंका जी कांग्रेस का जो उत्तराखंड के लिए मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसको जारी करेंगी। दूसरा, 1 बजे से पूरे उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभाओं के वर्चुअल रैली करेंगी, वर्चुअल के माध्यम से 70 विधानसभाओं की रैली को संबोधित करेंगी। सारे प्रदेश में बहुत उत्साह है उनके आगमन पर, लोग जगह जगह से LED बैन की मांग भी कर रहे हैं, व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। एक विधानसभा में 2-2 3-3
जगह से डिमांड भी आ रही है और हमें उम्मीद है कि प्रियंका जी के आने से चुनाव में को गति मिलेगी और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होगा और उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए प्रियंका गांधी जी कल आ रही हैं और उत्तराखंड स्वाभिमान जो रैली हमारी वर्चुअली चल रही है उसके माध्यम से जनता को संबोधित करने का कार्य करेंगी। वो रैली हर विधानसभा में लाइव चलेगी। उसके साथ ही हमारा जो घोषणा पत्र है जिसे हमने प्रतिज्ञा पत्र का नाम दिया है उस घोषणा पत्र को भी जो है जारी करने का काम प्रियंका गांधी जी करेंगी। और क्योंकि उनका एक दौरा जो अभी कुछ दिन पहले प्रस्तावित था उसे किसी कारणवश पोस्टपोन करना पड़ा, इसीलिए ये उनका जो दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो या देश के अन्य प्रदेश हो जनता उनको सुनना चाहती है, जनता उनकी बातों से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करती है, तो उत्तराखंड की देवभूमि की भी जो जनता है वो प्रियंका गांधी जी को सुनेगी क्योंकि प्रियंका गांधी जी की जो बात होती है वो जनता के हितों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, युवाओं की बात होती है, किसानों की बात होती है, तो ये उनका पूरा प्रोग्राम रहेगा। देखिए महिलाएं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि कल प्रियंका गांधी जी पहुंचेंगी लग्जरिया फार्म हाउस में और वहां से महिलाओं को उनसे मिलने का मौका भी मिलेगा क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया है कि महिलाएं ज़्यादातर उनसे मिलेंगी और यहां की बातों को भी रखेंगी और राजनीतिक में महिलाओं की क्या भूमिका होगी इसके बारे में भी अपनी बात हम प्रियंका जी के सामने रखेंगे। और बहुत ही उत्साहित हैं महिलाएं क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर महिलाओं के अंदर उन्होंने एक जोश भरने का काम किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देकर के, और उत्तर प्रदेश में 40% जो उन्होंने महिलाओं को दिया उसको लेकर तो महिला अच्छी खासी उत्साहित है और आगे हमारा भविष्य क्या होगा ये इस पर भी निर्भर करेगा। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए घोषणा पत्र जारी करने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच रही हैं और इसे लेकर के बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। कहा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी उत्तराखंड में नारे को चरितार्थ नहीं करा पाई। उत्तराखंड की जनता विकास के एजेंडे को बखूबी समझती है। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बड़े आश्चर्यचकित बात यह है, प्रियंका जी ने एक स्लोगन चलाया लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में प्रियंका गांधी मैदान में। लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि अभी तो उनकी चुनाव कैंपेनिंग शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले ही उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोल दिया कि उन्होंने कहा कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे लेकिन 4 महिलाओं को टिकट नहीं दे पाए और 2 महिलाएं ऐसी थी बेचारी जो रो रही हैं फूट फूट करके जिनको उन्होंने टिकट दिया था। एक तो दलित समाज से आती हैं बरखा जी, तो उनके टिकट काट दिए। फिर वही पुरानी परंपरा घिसी पिटी परंपरा आ गई कि दिल्ली में सोनिया परिवार, उत्तराखंड में हरदा का परिवार। तो आखिर कौन उन पर भरोसा करेगा? कौन महिलाएं उत्तराखंड की ऐसी हैं कि जो प्रियंका पर भरोसा करेंगी और क्यों करेंगी, प्रश्न ये खड़ा होता है। इसलिए देखो कांग्रेस जिस बात को कहती है हमेशा उसके विपरीत काम करती है। अगर अब वो कल अपने घोषणा पत्र को ला करके कुछ वायदे भी करेंगे तो राजस्थान के अंदर उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में सारा राजस्थान का कर्जा मुक्त हो जाएगा किसानों का, आज तक तो हुआ नहीं। बघेल जी 4 दिन पहले यहां आए थे, कह रहे थे साहब हम उत्तराखंड में 500 रुपये गैस का सिलेंडर बेचेंगे देंगे, वो राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो दे नहीं रहे, वहां तो 1000 रुपये का दे रहे हैं। तो यानी उत्तराखंड में आकर के झूठ बोलना और झूठ बोल करके दिग्भ्रम करने का प्रयास करना ये उत्तराखंड के लोग समझते हैं। वक्त यहां पर एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ लौटते हैं, टिकते रहिए सहारा समेत उत्तर प्रदेश। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पियेंगे, कड़क है योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए।
क्या शर्मा रहा है, दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है, चर्म रोगों पर पड़े भारी। सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट ट्रस्टेड टेस्टेड पीडियो सालिम लोशन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के प्रचार प्रसार चरम पर है। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। सीएम धामी यहां पुरोला विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी दुर्गेश लाल के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, डोर टू डोर कैंपेन की और इस दौरान कई दिग्गज नेताओं और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बीजेपी की सदस्यता ली। सीएम धामी ने यह कहा कि मैं प्रदेश के सभी विधानसभाओं में चुनाव प्रचार के लिए जा रहा हूं, मैं पुरोला विधानसभा में आया हूं और पुरोला विधानसभा की जनता बड़े उत्साह और बड़े मन से ऐसी सरकार चाहती है जो मोदी सरकार के साथ हो। उत्साहपूर्ण है और ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग 14 फरवरी के दिन का इंतजार कर रहे हैं और वोट देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस बार बहुत भारी बहुमत की आज सरकार बनने वाली है। मैं पुरोला विधानसभा में, पुरोला के मार्केट के अंदर, सभी जगह मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, निवेदन लेने के लिए हमारे प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल के साथ मैंने सभी जनसंपर्क कार्यकर्ताओं के साथ किया है। तो मुझे निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि यहाँ से कमल खिलने वाला है, एक तरफा यहाँ से जीत होने वाली है, उत्तराखंड के अंदर बड़ी बहुमत की सरकार बनने। उत्तराखंड में नामांकन पूरा होने के बाद अब विधानसभा चुनाव के प्रचार में और तेजी देखी जा रही है। सभी पार्टी और प्रत्याशी अब प्रचार में पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसी के तहत उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा सीट में बीजेपी के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी शैलेन्द्र मोहन सिंघल के लिए प्रचार किया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क किया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज से मेगा प्रचार अभियान शुरू कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास नगर और सहजपुर विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन और छोटी जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री हल्द्वानी में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, छोटी छोटी जनसभाएं कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। इसके साथ ही 3 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, उत्तरकाशी में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही 4 फरवरी को गृहमंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, पिथौरागढ़ क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो बीजेपी उत्तराखंड में अब की बार 60 के पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक सभी ने अब की बार 60 के पार के नारे को का जो लक्ष्य है उसका निर्धारण किया। लेकिन अब बीजेपी के सभी होर्डिंग्स और बैनर से ये नारा गायब हो चुका है। अब बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में नारों को लेकर तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बीजेपी पहले 60 सीटों को जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी थी, लेकिन ग्राउंड पर उतरने के बाद बीजेपी के नेताओं को असलियत से रूबरू होना पड़ा और इसलिए बीजेपी के सभी होर्डिंग्स और बैनर से इस नारे को गायब कर दिया गया है। जनता पार्टी को यह एहसास हो गया था कि उनका ये नारा अहंकारी नारा है। चुनाव में या लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, वो तय करती है कि उसने बहुमत किसको देना है, उसने सरकार किसकी बनानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस जनता जनार्दन की, जिसको हम ईश्वर तुल्य रखते हैं लोकतंत्र में, राजनीति में, उसको एक तरफ करके आपने खुद ही अपने आप को स्वघोषित बहुमत की सरकार बनाने वाला कह दिया। तो उसके बाद अब मुझे लगता है कि लगातार अपने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए भी भाजपा ने ये नारा दिया था, क्योंकि उनको पता था कि किया कुछ नहीं है, विकास के नाम पर कोई आयाम नहीं आज स्थापित किए हैं। तो ऐसे में इस बार उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने वाली है। तो खुद को बहलाने के लिए बार बार 60 का नारा दे रहे थे। अब कांग्रेस तो खुद दबाव में है, कांग्रेस को तो मुझे लग रहा है वहां तो लड़ाई चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई कांग्रेस में दिख रही है। वो तो लड़ने से पहले चुनाव हार स्वीकार कर चुके हैं। वहां तो ये हो रहा है कि हारने के बाद अगर ये हार गए तो नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, फला हार गए तो नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इस पे झगड़ा चल रहा है। वहां जीत की तो बात ही कांग्रेस में नहीं हो रही, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए।
भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। इस बार 60 पार के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता बहुत ताकत के साथ मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, धामी जी को विजयी बनाएगी। और चुनाव आयोग की कोविड 19 के मद्देनजर गाइडलाइंस के तहत बड़ी जनसभाओं पर रोक लगाए जाने के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने वर्चुअली अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का सिलसिला शुरू किया है और इसी कड़ी में बीजेपी ने देहरादून में वर्चुअल स्टूडियो तैयार करने के बाद प्रदेश स्तरीय सभी नेताओं के वर्चुअल जनसभा कार्यक्रम जारी किए। इसमें 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 जनसभाएं की गई जिसमें प्रदेश के बड़े नेताओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम किया। उत्तराखंड कांग्रेस ने महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष पद पर ज्योति रौतेला की नियुक्ति कर दी। आज देहरादून कांग्रेस भवन में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पदभार ग्रहण किया और इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मौजूदा समय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सत्ता में सरकार को लाना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अभी दीजिए इजाजत, खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।